हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट करियर पर। दोस्तों, जोसा की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो गई है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल क्या होने वाला है। यहां पर आप लोगों को जो सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं उनके लिए उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और लास्ट में अगर आपका एडमिशन जब हो जाता है उस समय आपको कहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करना है, उसके सेंटर कहाँ कहाँ हैं आपको वो बताऊँगा, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है मैं वो भी बताऊँगा। तो जल्द जाने क्लास का वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको जोसा की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों, इसकी जो वेबसाइट है वो है josa.nic.in। यहाँ पर आने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा जैसा अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और यहाँ पर साइट डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को देखना कैसे है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो जोसा की काउंसलिंग होनी है वो इस बार 2019-2020 में 107 इंस्टीट्यूट के लिए होना है, जिसके अंदर दोस्तों 23 IITs, 31 NITs, 25 IIITs और 28 GFTIs आते हैं। इन सभी के लिए जो काउंसलिंग होगी वो जोसा के थ्रू ही होगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको बता रखा है स्टेप कुछ है। तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को पता है कैसे करना है, उसकी वेबसाइट पर जाकर करना है, और जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरह से आप लोगों को करना है। उसके बाद दोस्तों आता है चॉइस फिलिंग की बात। तो आप लोग चॉइस फिलिंग में बहुत आराम से, बहुत अच्छे से और सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा, क्योंकि आप लोग जो चॉइस फिलिंग करोगे उसी पर आपका एडमिशन होना है। मान लीजिए कोई बेकार, सबसे बेकार कॉलेज है, आप अगर उसको पहले नंबर पर चॉइस फिलिंग में कर देते हैं तो आपका एडमिशन अगर वहाँ होता है तो वहाँ पर ही होना है, क्योंकि फिर आपने जो फिल किया है वो उनकी गलती नहीं मानी जाएगी। तो आप जो भी फिल करेंगे वो आपका एडमिशन वहीं पर होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए आप लोग थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ्स वगैरह हैं आप उन्हें देखिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही फिल कीजिए। अभी आज से स्टार्ट है, लास्ट डेट इसकी 25 तारीख है, तब तक आप रिसर्च करते रहिएगा और अपने अकॉर्डिंग से एडिट करते रहिएगा। दोस्तों, उसके बाद बात आती है चॉइस को लॉक करने की बात। तो चॉइस लॉक दोस्तों, आप लोग लास्ट डेट अभी 25 तारीख दी गई है, तो आप लोग 24 को कीजिएगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। जल्दबाजी मत दिखाइए, क्योंकि आप लोग एक बार जो लॉक कर देंगे वो आपका फाइनल होगा, बाद में आप उसे एडिट नहीं कर पाओगे। तो आप लोग आज रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जितनी भी चॉइस फिलिंग करनी हो उतनी कर लीजिए, और आप रिसर्च अपनी करते रहिए डेली। रिसर्च करने के बाद आपको जो अच्छा लगता है अपनी प्रेफरेंस देखिए, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उनकी प्रेफरेंस देख के उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस को एडिट करिए, और बाद में लास्ट डे से एक दिन पहले 24 को आप इसे चॉइस को लॉक करना, क्योंकि लॉक करने के बाद आप दोबारा से एडिट नहीं कर पाओगे। और अगर आपने गलती से किसी गलत कॉलेज को पहली प्रेफरेंस दे दी तो आपको उसी में एडमिशन मिलना है, इसमें उनकी गलती नहीं मिल जाएगी, या आपकी फॉल्ट होगी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन। तो दोस्तों, 7 राउंड में पूरी काउंसलिंग होना है। यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस इन्होंने बता रखा है कि आपको जो पेमेंट करना है वो SBI ई चलान, SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड के थ्रू ही करना है। और बाद में अगर आपको पसंद आता है कॉलेज जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ, आपको लगता है यहाँ ये मेरा बेस्ट कॉलेज है, मुझे यहीं एडमिशन चाहिए, अब मुझे आगे काउंसलिंग में नहीं जाना, तो आप अपनी सीट को फ्रीज वगैरह भी कर सकते हैं। और बात आती है ड्यूअल रिपोर्टिंग, वो दोस्तों ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ड्यूअल रिपोर्टिंग क्या होता है। तो ड्यूअल रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका एडमिशन NIT में हुआ और बाद में आपका एडमिशन IIT में हो जाता है, तो उस केस में आपको ड्यूअल रिपोर्टिंग उसमें ये एप्लीकेबल होता है। ड्यूअल रिपोर्टिंग में आपको दोबारा जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफिकेशन करना पड़ता है, सब कुछ दोबारा करना पड़ता है, और ये सिर्फ और सिर्फ NIT से IIT या IIT से NIT के केस में था, बाकी केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको ड्यूअल रिपोर्टिंग में, अगर आपका NIT से IIT में अगर एडमिशन होता है तो आपको जाके दोबारा वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको अपना कॉलेज पसंद नहीं आता है, किसी कारण से आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन भी मिलता है, और आप विड्रॉ भी करा सकते हैं, आपकी फ़ी भी रिफंड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं कि काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होना है। तो उसके लिए दोस्तों, ऊपर की साइड देखिए लिखा हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल, आप लोगों को इस पर जाके यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर एक PDF डाउनलोड होगी, उस PDF को देखना है, उसमें सारा का सारा शेड्यूल दिया गया, मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये वो PDF है जहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल को आपका JEE मेन का रिजल्ट आया था, 14 जून को आपका JEE एडवांस का रिजल्ट आया था, उसके बाद 16 जून को, यानी कि आज से आपकी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाए हैं। फिर सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, 22 और 24 जून को आपको मॉक सीट एलोकेशन होता है, जहाँ पर दिखाया जाएगा, ये एक उसके लिए होता है डेमो के लिए कि आपको कौन सी सीट मिल रही है, आपने जो फिल किया है थोड़ा इससे हेल्प मिलती है, आपको समझ में आता है कि जो आप फिल कर रहे हैं आपको मिल सकती है नहीं मिल सकती, तो ये उसके लिए होता है। तो काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है उनकी तरफ से, तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये दोस्तों दो बार होता है, एक 22 तारीख को, दूसरा 24 तारीख को होना है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप लोग इस पर आराम से देखिएगा। 25 तारीख से लास्ट डेट है, और 26 तारीख को आपका सीट एलोकेशन, वेरीफिकेशन, रिकाउंसलेशन ऑफ डाटा,
वैलिडेशन सब कुछ होना है। 27 को आपको सीट एलोकेशन राउंड वन हो जाएगा। 28 तारीख से 2 जुलाई के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, अपनी फ़ी पेमेंट करना होगा, वहाँ पर रिपोर्टिंग करना होगा, ये सब चलता है। फिर दोस्तों 3 तारीख को बताएंगे कि डिस्प्ले ऑफ सीट्स फील्ड कितनी सीटें फिल हुई, कितनी बची, और उसके बाद उसी दिन शाम को 5 बजे राउंड 2 स्टार्ट होगा। इसी तरह से दोस्तों चलता रहेगा, राउंड 7 तक ऐसी पूरा प्रोसेस चलेगा। तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से वापस होते हैं। यहाँ से बैक होने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोगों को जो रिपोर्टिंग सेंटर है वो कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आपको कहाँ जाना है। तो दोस्तों इसी पे देखिए, पेज में साइड पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग सेंटर इन IITs, और दूसरा है लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग सेंटर इन NITs, IIITs एंड अदर GFTIs। तो अगर आपका IIT में एडमिशन होता है तो उस केस में आपको जो ऊपर वाला है उस पर क्लिक करके एक PDF आएगी, वहाँ पे सारे सेंटर के दिए गए हैं, आपको कहाँ जाना है, उनका पूरा डिटेल दिया गया, उनका फ़ोन नंबर, उनके ईमेल ID सब कुछ दी गई, कॉन्टैक्ट के लिए एड्रेस सब कुछ दिया गया है। तो आपको वहाँ पर जाना है। और अगर आपका NIT, IIIT या GFTIs में एडमिशन होता है तो उसके इसमें जो नीचे वाली PDF आपको उसको डाउनलोड करके वहाँ पे जाना है। तो यहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं, आराम से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। जैसे क्लिक करेंगे तो एक PDF की डाउनलोड हो जाएगी, तो आप लोग करके देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सर्टिफिकेट जो आप लोग यहाँ पे देंगे उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इन्होंने अभी बता रखा है। तो ऊपर देखिए सर्टिफिकेट फॉर्मेट लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों सर्टिफिकेट फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, PWD, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उसी पर जाके आपको क्लिक करना है, और उसकी सारी डिटेल आपके सामने, उसका फॉर्मेट कैसा है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो को भी खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद है उसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर दूंगा। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा, जैसे भी जो भी इनका नोटिफिकेशन आता रहेगा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिए।